हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अस्मिता जकाशनिया यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कस्टर्ड एप्पल को कैसे खाया जाए इजीली, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये एक इजी स्किल है। तो जब भी हम कस्टर्ड एप्पल को यूज़ में लाते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कस्टर्ड एप्पल अच्छे से राइप यानी कि पका हुआ है कि नहीं। कच्चा कस्टर्ड एप्पल हम बिल्कुल ही खा नहीं सकते। तो पका हुआ कस्टर्ड एप्पल जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके ऊपरी भाग को, उसके ऊपरी छोल को दबाते वो इजीली अगर दब जाएगा तो ये पका हुआ कस्टर्ड एप्पल है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि उसके ऊपर के थोड़े से छिलके उतार कर उसके अंदर का जो पल्प है वो इजीली हम स्पून के पिछले हिस्से से, बैक साइड से उसको हम खा सकते हैं इजीली। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इजीली कस्टर्ड एप्पल के अंदर का जो भी पल्प है और वो भी पके हुए कस्टर्ड एप्पल का पल्प, इजीली मैं इसको खा पा रही हूँ और इसके बीजों को मैं हटा भी सकती हूँ मुंह में। इसको खाने के बाद इसके बीजों को मैं हटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड एप्पल का जब भी सीज़न आता है, कस्टर्ड एप्पल खाने में बहुत ही गुणकारी है, शीतल है, तो ये खाने ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसको खाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि कस्टर्ड एप्पल खाने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बीज भी होते हैं और बीज के ऊपर वाला पल्प ही यूज़ में लाने का होता है और उसके छिलके में भी बहुत सारा पल्प लगा रहता है। तो इस प्रकार जो स्पून है उसको छिलके के जो अंदरूनी सतह है उसके साथ उसको घिस के भी उसकी सतह से भी हम पल्प को निकाल सकते हैं। बीजों के बाहर वाला जो पल्प है उसको भी हम इजीली खा सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो आपके पास कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, गुजराती में हम इसको सीताफल बोलते हैं, तो इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसको एन्जॉय कर सकते हैं और बैठे बैठे हम शांति से इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस स्किल से, सीताफल को खाने की स्किल से हम सीताफल को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर पर इस स्किल का यूज़ करें। आप देख सकते हैं वीडियो में सारा सीताफल इजीली मैंने खा लिया है और वो अंदर से खोखला हो गया है। इस प्रकार सीताफल हम खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीताफल की तासीर बहुत ही शीतल होती है। आप घर पर इसको एंजॉय करें। और फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और मेरे सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, जिससे मैं इससे अच्छे वीडियो आपको बता सकूं। बाय फ्रेंड्स।